गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का लेसन सिक्स करेंगे जिसका नाम है पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था, आम आदमी के लिए इस रास्ते पर रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा से सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहता है कि छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है, रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करती। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र संदेशास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक यंत्र केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों में से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू को की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा छोटू को बचा लिया, बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में पहले से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों के जीवों का पोषण होता है। सूरज के में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुआ
केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। बिल्कुल, मगर आप उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी पड़े होंगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के एक प्रमुख टीवी स्क्रीन पर की तरफ इशारा कर दिया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, यह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्षयान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति पर कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्षयान से एक ही यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में ही मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको यहीं तक अच्छे से रीड करना है।